दर्शकबिन नमस्कार। वेस्ट इंडीज टूर अफ नेपाल को 5 खेल को T20 सीरीज आज समाप्त भएको छ। 3-2 को जीत संगे सीरीज पाउना टोली वेस्ट इंडीज ले जितना सफल भएको छ। उक्त सीरीज को अंतिम खेल आज रहेको थियो। आज को उक्त अंतिम खेल नेपालले 6 विकेटले जीत दर्ज गरेको छ। आज को खेल में वेस्ट इंडीज ने टस जितेर बैटिंग रोजेको थियो। इस संगे पूरा सीरीजमें वेस्ट इंडीज ने सुरू में बैटिंग गरेको हो। सुरू में बैटिंग में उतरे वेस्ट इंडीज ने 173 को टार्गेट नेपाल समक्ष पेश गरेको थियो। भने नेपालले उक्त टार्गेट 4 विकेट गुमाउँदै जम्मा 18.5 ओवर में प्रेसर बिना नै जितेको थियो। आज को खेल में नेपाल को बलिंग तथा बैटिंग दुबई निकै उत्कृष्ट रह्यो। सुरू में कुरा गरौं बलिंग तर्फ। दर्शकबिन आज को नेपाल को बलिंग सोमपाल कामीले एकदमै राम्रो गरेका थिए। सोमपालले 4 को इकोनोमी में 16 रन खर्चे 3 महत्वपूर्ण विकेट लिन सफल रहे। त्यस्तै सागर ढकालले पनि 3 विकेट लिन 2 ओवर में 17 रन खर्चे। प्रतीश जीसीले 3 ओवर में 22 रन। दीपेन्द्र ऐरी 3 ओवर में 13 रन को इकोनोमी में 39 रन खर्चे थोड़े महंगा साबित भए। भने कुशल भुटेलले 4 ओवर में 6.25 को इकोनोमी कायम करते 25 रन खर्चे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अविनाश बोहराले 4 ओवर में 49 रन खर्चे 1 विकेट ले। इससंगे वेस्ट इंडीज ने 7 विकेट गुमाई 172 रन बनाए। दोस्रो इनिंग शुरू भएसँगै नेपाल बैटिंग में उत्रियो। डकआउट हुँदै आएका भुटेलले पहिलो ओवर में 2 चौका बनाई शुरुआत करे। नेपालको आजको बैटिंग उत्कृष्ट बन्दै गयो। बैटिंग तर्फ कुशल भुटेलले 9 बल में 3 चौका सहित 13 रन बनाए। भने अर्को ओपनर आसिफ शेख पनि विश्वकप जानु अघि फर्म में देखे। फलस्वरूप उनले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 35 बल में 5 छक्का र 2 चौका सहित 51 रन बनाए। त्यस्तै अर्का बैटर अनिल शाहले पनि धेरै पछि उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै अर्धशतकीय पारी में सम्मिलित हुँदै 45 बल में 58 रन को पारी खेले। भने कुशल मल्ल द हिटम्यानले नट आउट 37 रन बनाए। उनले यो रन बनाउँदा 18 बल में 3 चौका र 3 छक्का लगाए। यता दीपेन्द्र सिंह ऐरी को भने बैट त्यति राम्ररी घुम्न सकेन। फलस्वरूप 1 चौका सहित 6 बल में मात्र 5 रन बनाए र आउट भए। आज कैप्टेन रोहित पौडेलले भने फिनिशिंग में उतरे। तर उनले बैट चलाउनु भने परेन किनभने आज कुशल मल्लले पूरा ओवर एक्लै सम्हाले र फिनिश करे। फलस्वरूप आज नेपालले आजको खेल भने जित्न सफल रह्यो। नेपालले सीरीज जित्न नसके पनि वेस्ट इंडीज जस्तो बलियो टीम विरुद्ध यति उत्कृष्ट जित निकाल्नु निकै राम्रो मान्न सकिन्छ। यससँगै विश्वकप जानु पूर्व नेपाली खेलाडी फर्ममा आएको पनि देख्न सकिन्छ। सीरीज विनर वेस्ट इंडीजलाई बधाई तथा निम्तो स्वीकारी आएकोमा धन्यवाद पनि। नेपाललाई बेस्ट अफ लक आगामी विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्नु। बाँकी क्रिकेटसँग सम्बन्धित जानकारीका लागि च्यानलमा जुड्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।